Hello friends, welcome in my YouTube channel Fun to Fun. Today we are talking about how to grow mobile speed and battery backup. So follow these steps. You have to settings three types in your mobile. So let's start, which are they? दोस्तों आज मैं आपको अपने मोबाइल के लिए ऐसी तीन सेटिंग बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी मोबाइल की रैम तो बढ़ेगी, साथ में आपका बैटरी बैकअप पर भी असर पड़ेगा, बैटरी बैकअप भी बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपना सेटिंग वाला ऑप्शन खोल लेंगे। सेटिंग वाले ऑप्शन में आप जाएंगे गूगल पर, एक गूगल का मेनू होगा उसमें जाएंगे, गूगल ये रहा, इस पर क्लिक करें। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखा देगा कनेक्टेड ऐप्स, ये वाला, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ आप देख रहे ये सारे ऐप्स आ गए हैं। इसमें दोस्तों कई ऐप्स ऐसे होंगे जो आपने अपने मोबाइल में कभी इंस्टॉल किए होंगे लेकिन आप उन्हें यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में यूज़ होते रहते हैं जो आपकी रैम और बैटरी दोनों को यूटिलाइज़ करते हैं और बैटरी बैकअप रैम दोनों को घटाते हैं। तो इन्हें रोकने का क्या तरीका होता है, आप जैसे बाउंस वाला देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, डिस्कनेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट। दूसरा, इस तरह आप अपने सारी जो भी अपने एप्लीकेशन खुले हुए हैं इन्हें डिस्कनेक्ट कर लेंगे सबको, तो इससे आपकी रैम बढ़ेगी। ये आप सब डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ये एक साथ नहीं हो सकते हैं, इन्हें आप वन बाई वन करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके मोबाइल में रैम की स्पीड बढ़ेगी। तो इस तरह दोस्तों आप अपने ये रैम की जो है मेमोरी फ्री कर लेंगे। दूसरी सेटिंग क्या होती है, सेटिंग वाला ऑप्शन आप ओपन कर लेंगे। सेटिंग का ये ऑप्शन आपका ओपन है, जैसे आप देख रहे होंगे सेटिंग का ओपन ऑप्शन है। इसमें आप स्टोरेज में जाएंगे, स्टोरेज वाला फंक्शन, मेमोरी या स्टोरेज जो भी आप इसमें जाएंगे क्लिक करेंगे, सॉरी ये स्टोरेज वाले में ही जाना है। इसमें आप देखें इंटरनेट शेड स्टोरेज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैश डाटा का, ये आप देख रहे हैं कैलकुलेटिंग हो रहा है, मैं भी दिखाता हूँ इसमें कितना कैश डाटा है, 569 MB, इस पर क्लिक करेंगे। दिस विल क्लियर कैश डाटा फॉर ऑल ऐप्स, दोस्तों ये कैश डाटा होता है जो मोबाइल अपने आप ऐसी फाइलें होती हैं जो यूज़ नहीं होती हैं, तो ये उसके लिए कैश डाटा बना देता है, तो इसे आप यहाँ से क्लियर कर देंगे। यह 569 MB आपका कैश डाटा क्लियर हो जाएगा जो आपकी रैम को ग्रोथ करेगा, बैटरी बैकअप को बढ़ाएगा। कैलकुलेटर आप देखेंगे कैश डाटा आप कितना बचा है, 569 से ज़ीरो हो गया है, ये आप देख ही रहे हैं ज़ीरो हो गया। तीसरी सेटिंग जो है इसकी आप जाएंगे ऐप्स मैनेजमेंट में, ये ऐप्स देख रहे हैं आप 69 ऐप्स इंस्टॉल्ड है मेरे, इसमें 3 GB रैम है ये मोबाइल मेरा। इसमें आप देख रहे होंगे ये एप्लीकेशन सारे जो इस मोबाइल में चलते हैं, यूज़ होते हैं। इनमें दोस्तों आपको क्या करना है, जो आप ऐप यूज़ नहीं करते हैं वो भी आपके बैकग्राउंड में चलता है, तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, जो आप ये यूज़ नहीं करते हैं ये फोर्स स्टॉप आप देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देंगे, अब ये आपका बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। तो इस तरह जो भी आप यूज़ नहीं करते हैं उन्हें यहाँ से क्लोज कर देंगे, तो इससे आपकी रैम की मेमोरी के साथ साथ बैटरी बैकअप भी बढ़ेगा। इन्हें फोर्स स्टॉप कर देंगे यहाँ से जो आप ऐप यूज़ नहीं करते।
तो ये दोस्तों तीन सेटिंग्स थी जिन्हें आप अपने मोबाइल में अगर कर लेंगे तो आपकी रैम के साथ आपका मोबाइल का बैटरी बैकअप भी बढ़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फन टू फोन।